हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल। दोस्तों मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग लाए हैं दोस्तों रेडमी बड्स 4 एक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसकी सील ऐसी लगी हुई है दोस्तों, कोई भी सील इसके अभी ब्रेक नहीं किया है दोस्तों मैंने। मैं आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देने वाला हूँ दोस्तों। जैसे ही आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको क्या एसेसरीज मिलने वाले हैं इस बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, 12mm बेस प्रो का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, ENC का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। दूसरा आपको 30 hours आपको बैटरी पिकअप भी मिल जाता है। उसके बाद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो आप 10 मिनट चार्ज करेंगे इस बड्स को तो आपके 90 मिनट्स प्लेबैक आपको टाइम दे देगा दोस्तों। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो मिलता है दोस्तों, आपको IPX सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, सेफ होने वाले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले दोस्तों। चौथा इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट जो मिलता है 5.3 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी इसकी सील को हमने ब्रेक नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर की एक सील मिल जाती है आपको, यहाँ पर आपको नीचे में एक सील मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर MI के तरफ से स्कैनर कोड मिल जाता है, जो आप इसे स्कैन करके ओरिजिनल है या नहीं इसको आप चेक कर सकते हैं उनके वेबसाइट पर जाकर। तो रेडमी बड्स का नेम दिया गया है नीचे के साइड में, रेडमी बड्स 4 एक्टिव। यहाँ पर उसका फ़ोटो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर MI का लोगो दिया गया है। यहाँ फास्ट पेयरिंग गूगल के साथ सपोर्ट करता है दोस्तों। इस साइड में आपको मिल जाता है दोस्तों 12mm बेस प्रो ड्राइवर मिल जाता है, इसमें ENC का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें 30 hours बैटरी पिकअप भी मिल जाता है। अगर आप 10 मिनट के लिए चार्जिंग करेंगे तो 90 मिनट्स प्लेबैक टाइम आपको दे सकता है दोस्तों। IPX4 जो वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है आपको। तो जस्ट मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करने वाला हूँ, तो यहाँ से करना है आपको इसकी सील को ब्रेक। तो देखिए दोस्तों हमने इसको कर दी सील को ब्रेक, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर के साइड। तो यहाँ पर पहले आपको मिल जाता है TWS का केस, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, बस बॉक्स में इतना ही दोस्तों। ये रहा आपका यूज़र मैनुअल, इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर आपको एयरबड्स टिप मिल जाते हैं, जो आपके कान के साइज़ के हिसाब से आप अपने TWS में लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको TWS की पन्नी को हटा लेते हैं दोस्तों। हमने इसको परचेस किया है क्रीम कलर में। देखिए दोस्तों फ्रंट में आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई भी नेम मेंशन नहीं किया गया दोस्तों। ये रहा हमारा TWS क्रीम कलर वाला। देखेंगे बैक साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर रेडमी का नेम मेंशन किया गया है। बॉक्स में आपको केबल नहीं मिलेगा, चार्जिंग केबल USB Type-C का। कर देते हैं दोस्तों इसको, जैसे आप ओपन करेंगे ऊपर के साइड में कैप के साइड के अंदर आपको सारा कुछ कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया दोस्तों। ये रहे आपके बड्स, जो अंदर थोड़ा सा ग्रे कलर में आते हैं केस। ये रहे आपके बड्स, बॉक्स में इतना ही दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर आपको USB Type-C इंडिकेटर मिल जाता है, जो चार्जिंग मेंशन करता है कि आपका केस चार्जिंग है या नहीं दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों। इसमें मैट फिनिशिंग दिया गया है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा एक लाइन बना के शाइन फिनिशिंग दिया गया है दोस्तों। बहुत इजी टू कैरी है दोस्तों, आप कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। जैसे आप अनबॉक्सिंग करें इसको, इस एयरबड्स के पेपर्स को रिमूव कर ले, वरना आपके एयरबड्स आपके चार्जिंग नहीं होंगे। यहाँ पर भी मेंशन किया गया दोस्तों रिमूव, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव, इसको भी कर लेते हैं रिमूव। तो ये रहे दोस्तों हमारे TWS 4 रेडमी बड्स 4 एक्टिव, इसके आप देख सकते हैं दोस्तों। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो इसको सेम टू सेम आईफोन के थोड़े से मिलते जुलते बड्स लगेंगे, मतलब इसको आप वापस डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं ब्लूटूथ में, इसके बाद देखेंगे दोस्तों। सब यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों सर्चिंग लिस्ट में, रेडमी बड्स 4। कहीं पर भी आपको बटन नहीं दिया गया तो दोस्तों आपको रीस्टार्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तकलीफ प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको पॉपअप ही इसका बटन है दोस्तों, आप पॉपअप पिन पे रख देते हैं दोस्तों। ये रहे पेयरिंग, कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। रेडमी बड्स 4 एक्टिव को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है दोस्तों। इसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए
तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, कहीं पर भी आपको नहीं लगता कि आपने चीप प्रोडक्ट को परचेज़ किया है दोस्तों। हालांकि इसका रेट कम ज़रूर है दोस्तों, मगर इसकी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो 1000 के ऊपर इसका प्राइस का मिल जाता है, 1200 का। अभी मैंने अमेजोन से परचेस किया है दोस्तों इसको, SB क्रेडिट बैंक से मैंने इसको परचेस किया ओनली 700 में, वहाँ पर इसका रेट 800 रुपीज़ दिखा रहा दोस्तों। मैंने SB क्रेडिट बैंक को अप्लाई किया, वहाँ पर मुझे 100 रुपये इसका डिस्काउंट मिल गया दोस्तों। इसके कान की फिटनेस की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप अपने कान में डालेंगे तो कहीं से भी आपको साइज़ में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है साइज़ का, तो आप सर लबर्स के टिप्स को लगाकर आप अपने के कान के हिसाब से आप सेटअप कर ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जनता हमारे इस चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता।